हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 10 कठिन पहेलियां जो दिमाग की बत्ती जला दे। इस वीडियो में आपको कुछ पहेलियां दी गई हैं। आपको हर पहेली का उत्तर 10 सेकंड में देना है और अगर आप हर पहेली का आंसर 10 सेकंड में दे देते हैं तो आप सच में एक जीनियस हो। तो चलिए फ्रेंड्स, पहेलियां शुरू करते हैं। पजल नंबर एक, ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना देती है? दोस्तों, इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है उम्र। पजल नंबर दो, ऐसा कौन सा बैग है जो सिर्फ भिगोने पर ही काम करता है? दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है टी बैग। पजल नंबर तीन, वो क्या है जो आपके सोते ही नीचे गिर जाती है और आपके उठते ही वो भी उठ जाती है? दोस्तों, आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। इसका सही जवाब है आपकी पलकें। पजल नंबर चार, ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़की पहनती भी है और खाती भी है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें। इसका सही आंसर है लौंग। पजल नंबर पांच, ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? दोस्तों, आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है चींटी। पजल नंबर छह, वह कौन है जो गूंगा बहरा और अंधा है लेकिन बोलता हमेशा सच है? इसका सही आंसर है दर्पण यानी सीसा। पजल नंबर सात, वो कौन सा प्राणी है जो अपनी जीभ से अपने कान को साफ कर सकता है? दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें। इसका सही जवाब है जिराफ। पजल नंबर आठ, तुम ना बुलाओ मैं आ जाऊंगी, ना भाड़ा ना किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहती हूँ, पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन तुम ना रह पाओगे, बताओ मैं कौन हूँ? फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें। इसका सही जवाब है हवा। पजल नंबर नौ, वो कौन सा फल है जिसमें 25% हवा होती है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सेब। पजल नंबर 10, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ने पर कोई भी आवाज नहीं आती है? फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें। इसका सही जवाब है विश्वास। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।